एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में मैं लेकर आया एक और न्यू के ऑपरेशन ट्यूटोरियल फॉर 2023, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर, और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है इसक्रो एंटरटेनमेंट। इसके ऑपरेशन का नाम है 2023 इसक्रो एंटरटेनमेंट ऑडिशन। हमारी इंडिया की सेकंड के ऑप आइडल आर्या की होम कंपनी है इसक्रो एंटरटेनमेंट। तो आप फटाफट इसके ऑप एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से आप 2023 के इसक्रो एंटरटेनमेंट ऑडिशन के लिए कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या ऑडिशन पीरियड रहेगा, ऑडिशन क्वालिफिकेशन, ऑडिशन कैटेगरी, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको अप्लाई करने के लिए इस के ऑफ ऑडिशन के लिए, और मैंने आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एंड यूज अग्रीमेंट की पॉलिसी भी एक्सप्लेन करी थी। सब चीज़ें आपको जानना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। मगर आज किस वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लाइव डेमो देने वाली हूँ किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, कैसे उसे फिल करना है, और फिर कैसे इस के ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना है। सभी चीजें जानने के लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है, और साथ ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मदद कीजिए। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑफ ऑडिशन के अपडेट्स, रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ बीटीएस के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट भी बना रखी है के ऑफ ऑडिशन ट्यूटोरियल्स में, आपको सारी के ऑफ ऑडिशन मिल जाएंगे। उसके साथ साथ के ऑफ ऑडिशन टिप्स में वो वीडियोज़ है जो आपको हेल्पफुल होंगी के ऑफ ऑडिशन को पास करने में, और साथ ही एक प्लेलिस्ट है 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशन, उसमें जितनी वीडियोज़ है उसके ऑफ ऑडिशन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अवेलेबल हो, आपको लगता है आप प्रिपेयर है के ऑपरेशन देने के लिए, तो आप उन सभी वीडियोस को देखकर आप किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 24/7। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, और जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर है के ऑपरेशन देने के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। के ऑपरेशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइस की जरूरत है तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जयडीयू पर आपको के ऑपरेशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑपरेशन के ट्यूटोरियल्स देती हूं। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के ऑफ आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोज बनाई है वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोज, जो मैं वीडियोज डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्द से जल्द पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस इस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो ये भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स है उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके के पोर्शन का पास करने में और आपके के आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन देने से पहले आपको उस कंपनी और उसके आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो हु इज इसक्रो एंटरटेनमेंट? इसक्रो एंटरटेनमेंट एक जो है उसे जाना जाता है इसक्रो लेबल और इसक्रो प्लानिंग के नाम से भी। यह है एक साउथ कोरियन रिकॉर्ड लेबल और एक एंटरटेनमेंट एजेंसी, जिसे फाउंड किया गया था सिंगर जोंग योन त्यो के द्वारा। और इसक्रो एंटरटेनमेंट को जाना जाता है एज अ टैलेंट हंट कंपनी भी, क्योंकि वो नए नए टैलेंट को सर्च करती थी ताकि वो अपने एंटरटेनमेंट कंपनी को बहुत ही फेमस और बहुत ही ग्लोबल बना सके। अब अगर बात की जाए कि वो आर्टिस्ट की,
तो इसके अंदर जो ग्रुप की बात की जाए तो एक्शन नाम का एक ग्रुप है, 2023 से प्रेजेंट तक अभी वो एक्टिव है। ये वही केपॉप ग्रुप है जिसमें हमारी इंडिया के सेकंड केपॉप आइडल आर्या का जो है डेब्यू इस ग्रुप के अंदर हुआ है। अगर बात की जाए डुओस की, यानी कि दो दो पेयर में जो लोग गाते हैं, तो उसमें एक है फॉरेस्ट रेन, इसमें 2015 से लेकर वो अभी तक प्रेजेंट है। उसके बाद जोंग योन ते जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, और तीसरा है चो मिन वो, ये जो है इस कंपनी के अंदर डुओस के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से माना जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और ये न्यू टैलेंट को सर्च कर रही है, तो इंडियंस को जल्द जल्द इसके अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। चले चलते हैं हम एस्को एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर, जहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है इसके अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, उसके बाद आपको सर्च टैब में जाकर लिखना है इस्को, और जिसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ सर्चेज ओपन हो जाएंगी। आपको क्लिक करना है इस्को डैश एंड डैश ऑफिशियल पर, क्योंकि यही है उनका इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यही है इस्को एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट। आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑपरेशन के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और देखिए उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट डाल दी है, तो आप जाकर उस पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, खुद सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। सारी चीज़ें आपको इस पोस्ट के अंदर मिल जाएंगी, मगर हमें आज फिल करना है अप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको देखना होगा, जैसे कि आप उनके इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये थर्ड लाइन दिख रही है drive.google.com, यही है उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक। आपको इस लाइन पर क्लिक करना है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा आपको क्या कर लेना है, उसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। इस डाउनलोड करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इसे एडिट करना होगा। अब इसे एडिट करना होगा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो आगे तक जरूर देखेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू साइन अप फॉर 2023 इस्को एंटरटेनमेंट ऑडिशन। तो देखिए आपको क्या करना होगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो लिंक दी है उस लिंक के थ्रू आपको क्या करना होगा, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा विद द हेल्प ऑफ WPS ऑफिस। WPS ऑफिस की मदद से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको उस फॉर्म को एडिट करना होगा, एडिट कर आपको उसके अंदर सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। बाय चांस अगर आप फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अपनी कुछ डिटेल्स आपको जब आप ईमेल करेंगे आपको अपनी कुछ डिटेल्स लिखनी होगी, जैसे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी नेशनलिटी, आपका स्कूल या ग्रेड आप लिख सकते हैं, यानी कि हाई स्कूल है मिडिल स्कूल है, इस तरह से आपको लिखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। उसके बाद आता है आपके लीगल गार्जियन का इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन भी लिखना है, आपके पेरेंट्स का नेम, आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें आपको ईमेल में लिखनी होगी। और फिर आपको क्या करना होगा, उन्हें ईमेल करना होगा किस पे, iscroand@gmail.com पर आपको ये सारी डिटेल्स भेज देनी होगी। ये सारी डिटेल्स भेजने के साथ आपको क्या करना है, आपको कुछ डिटेल्स भेजनी है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, जैसे कि आपको आपके दो फोटोज अटैच करने हैं, एक हाफ बॉडी शॉट एक फुल बॉडी शॉट आपको अटैच करना है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको आपके ऑडिशन की वीडियो भी अटैच करनी है। आपको बताया था मैंने कि जो अगर आप रैप या सॉन्ग कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक मिनट से कम की वीडियो आपको अपलोड करनी है। अगर आप डांस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको एक मिनट से कम की वीडियो को अपलोड करना है। इस तरह से आपको इजीली अप्लाई कर देना है इसके ऑडिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइव डेमो ऑफ हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 2023 इस्को एंटरटेनमेंट ऑडिशन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में WPS ऑफिस को डाउनलोड कर लेना है। जिसके फ़ोन में अच्छी बात है, जिसके फ़ोन में नहीं है उसे प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, WPS ऑफिस को अपने फ़ोन में ओपन करना है। और जैसे ही आप फिर वहाँ पर जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ डाउनलोड किया था उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बटन दिख रहा है एडिट का, इस एडिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आप इस फॉर्म के अंदर लिख पाएं। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे इसके अंदर एडिट करने के। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑडिशन एप्लीकेशन, तो देखिए पहले चीज यहाँ पे लिखी हुई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने आपसे पूछा है नेम, तो आपको यहाँ पर आपका नेम फिल करना है सरनेम के साथ। उसके बाद देखिए सेकंड चीज लिखा हुआ है कैटेगरी, तो जो पहला है वो है वोकल, सेकंड जो है वो है रैप, और थर्ड जो है वो है डांस। तो आप फर्स्ट वाले में अगर क्लिक करेंगे तो आप वोकल के लिए क्लिक कर रहे हैं, सेकंड में अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो वो रैप के लिए कर रहे हैं, थर्ड में अगर आप
क्लिक कर रहे थे और डांस के लिए क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरियन लैंग्वेज में है इसलिए मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बीच में से उसे मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे आपको क्या पे क्या फील करना है। थर्ड चीज लिखी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और फिर आपको एज लिखनी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखने के बाद आपको स्लैश लगाना है और जो आपकी रिसेंट की जो आप एज है आपको वो एज लिखनी है और सही एज लिखिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है जेंडर, जो मेल है वो मेल पर टिक कर दीजिएगा, जो फीमेल है वो फीमेल पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है स्कूल और ईयर, तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल लिखना है। मिडिल स्कूल वो लिखेंगे जो 6 to 8 में पढ़ रहे हैं और हाई स्कूल वो लिखेंगे जो 9 to 12 के बीच में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको अपना ईयर लिखना है जिस भी ईयर में आप अभी हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको लिखना होगा जो इंडियन है वो इंडियन लिखेगा, जो कोरिया का है वो कोरियन लिखेगा, जो ऑस्ट्रेलिया का है वो ऑस्ट्रेलियन लिखेगा, जो अफ्रीका का है वो अफ्रीकन लिखेगा। उसके बाद देखिए सेकंड है कॉन्टैक्ट्स, तो अब सेल फोन नंबर लिखना है आपको पहला, तो आपको आपके फ़ोन का नंबर लिखना है। आप अपने फ़ोन नंबर लिख दीजिए, आप इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी लिख दीजिए, दो फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। फिर सेकंड है ईमेल, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, वही ईमेल आईडी लिखिएगा जिस पर आपको अपडेट्स वगैरह आती हों। फिर नीचे लिखा है एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपके घर का एड्रेस लिखना है और आखिरी में आप इंडिया लिख दीजिएगा। ये इंडियंस के लिए है, बाकी अदर कंट्रीज़ के भी अपना एड्रेस लिखने के बाद आपको अपने कंट्री का नाम लिख देना है। चलिए पेज को नीचे रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ पूछी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहला है यहाँ पर लैंग्वेज, कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो आपको आपको सारी लैंग्वेज यहाँ पर लिख देना है। जैसे हिंदी आती है अगर आपको तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश लिख दीजिए, कोरियन आती है कोरियन लिख दीजिए, ठीक है वही लिखिएगा जो सर्च है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लेवल, तो यहाँ पर लेवल आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका लेवल क्या है। पहला ऑप्शन है हाई, फिर है मीडियम और फिर है लो। आपको बताना होगा कि आपके अंदर जो टैलेंट्स है, आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन, आपके जो डांस का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, वो आपका किस लेवल का है, हाई लेवल का है, मीडियम लेवल का है या लो लेवल का है, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट यहाँ देखिए हॉबीज़ या टैलेंट, आपको कौन सी हॉबी है आपके अंदर या आपको कौन सा टैलेंट है आपके अंदर, वो हॉबीज़ या टैलेंट आपको इस वाले बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद है एक्टिविटीज़ और अवार्ड, इसके पहले आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी है, क्या क्या अवार्ड आपको मिले हैं, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर देखिए फोर्थ नंबर पर उन्होंने यहाँ पूछा है लीगल गार्जियंस इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है। पहला है यहाँ पे नेम, आपको किसी भी एक का लिख देना है, या मदर का या तो फादर का लिख दीजिएगा। अगर फादर का लिख रहे हैं तो फादर का नेम लिख दीजिए पूरा सरनेम के साथ। फिर पापा का फ़ोन नंबर लिखिए, कॉन्टैक्ट में आपको आपके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। फिर थर्ड है रिलेशनशिप में, कि आपके जिसका भी आपने यहाँ नाम लिखा है उसके आप क्या लगते हैं, तो रिलेशनशिप में आपको लिख देना है। अगर पापा का नाम लिखा है तो नीचे रिलेशनशिप में फादर लिखना है, मम्मी का नाम लिखा है तो नीचे रिलेशनशिप में मम्मी का नाम मदर लिखना है। अगर भाई का नाम लिखा है या पेरेंट्स कोई बड़ा, अगर मदर फादर किसी के नहीं है तो उनको अपने बड़े भाई बहन का नाम अगर लिख रहे हैं तो उनसे क्या रिलेशनशिप है आपका, वो यहाँ पर लिखना है आपको रिलेशनशिप बॉक्स में। फिर यहाँ पे आपको अग्रीमेंट लिखा है, कि जो भी अग्रीमेंट है उससे आप हाँ मानते हैं या ना करते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको पहले वाले पर सिलेक्ट करना है। पहले वाले पर सिलेक्ट करने के बाद आप पेज को नीचे रोल कर लीजिए। देखिए ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ अग्रीमेंट पॉलिसी, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, तो इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको अगर पता करना है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपको देखिए इसमें आपको फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है आई डू अग्री, क्योंकि अगर आप आई डू नॉट अग्री पर क्लिक करेंगे तो आप इसके पोर्शन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप पहले वाले बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है डेट, आपने किस तारीख को फॉर्म को फिल किया है, यहाँ डेट फिल करना है। राइटर यानी कि आपको आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। और फिर आखिर में यहाँ लिखा हुआ देखिए सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको अपनी साइन कर देनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक बार डबल से चेक करना है आपने सभी इन्फॉर्मेशन सही लिखी है या नहीं लिखी है। चेक करने के बाद आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसको सेव कर लेना है पहले। तो जैसे आप इसको सेव कर लेंगे आप उसको अच्छे से रिनेम कर दीजिएगा आपको जिस भी नाम, ताकि आपको फटाक से ये पेज मिल जाए आप ईमेल लिखेंगे तब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू सेंड ईमेल ऑफ 2023 इस्क्रो एंटरटेनमेंट ऑडिशन। सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप ओपन करना है। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद आपको देखना होगा यहाँ पे लास्ट में एकदम नीचे कॉर्नर में राइट साइड आपको दिखेगा कंपोज का बटन, कंपोज के बटन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी दिखेगी क्योंकि आपने इससे ही ऑलरेडी आपका लॉगिन किया होगा। तो फ्रॉम में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, वो ऑलरेडी लिखा होता है। फिर टू में आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में प्रीवियसली, क्या लिखना है, iscroent@gmail.com। जैसे आप ही पहले लिखना शुरू करेंगे, जैसे आप पूरा लिख देंगे तो आपके सामने फिर एक सजेशन शो होगा,
उस सजेशन पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। उन्होंने आगे से कुछ नहीं बताया सब्जेक्ट क्या लिखना है, तो हम यहाँ पर ऑडिशन का नाम लिख देते हैं 2023 इसरो एंटरटेनमेंट ऑडिशन। ये लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ यहाँ पे कंपोज ईमेल, तो यहाँ पर हमें लाइन बाय लाइन सब चीज़ें अटैच करते जाना है। सबसे पहले जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म को जो हमने एडिट किया है, जो हमने उसको क्या था एडिट, उसको हमको यहाँ पर अटैच करना है। तो आप अटैच कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना होगा अटैच फाइल पर, अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी उसको सेव किया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया है, देखिए यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस ऑडिशन का, वो मैंने यहाँ अटैच कर लिया है। इसके बाद हम क्या करना है, दो चीज़ और करनी है। सबसे पहले हम फोटो अटैच कर लेते हैं, इस तरह से आपको फिर से उस पर जाना होगा रिंग पर, आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेजेस पे जाना है, और जहाँ पर भी आपने फोटो क्लिक किया है एक हाफ बॉडी शॉट एट फुल बॉडी शॉट, दो फोटोज़ को आपको अटैच कर देना है। दो फोटोज़ को अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें एक आखिरी चीज़ बची है, वो है हमारी कैटेगरी की वीडियो, ऑडिशन कैटेगरी की वीडियो आपको अटैच करनी है। फिर से आपको वही करना है, ये रिंग सेक्शन पर जाना है, फिर आपको अटैच फाइल पर जाना है, फिर आपको वीडियोज़ पर जाना है, और जो भी वीडियो आपने सिलेक्ट किया उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी चारों चीज़ अटैच हो जाएगी। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, सब चीज़ें ऐड हो गई हैं, और बस आपको ये जो ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है 2023 के इसरो एंटरटेनमेंट ऑडिशन के लिए। फिर यही थी सारी इन्फॉर्मेशन 2023 इसरो एंटरटेनमेंट ऑडिशन से रिलेटेड। होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस वेल, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, K-pop version tutorials, K-pop version tips, life of K-pop trainee and idol, and Korean entertainment videos like this. You can check out my playlist of K-pop version tutorials, K-pop version tips, and 24/7 always open ongoing auditions, and try out as many auditions as you can. And you can find the link in the description box. But those who have queries related to video, ask me in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow. Also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-pop portion tutorials, K-pop portion tips, life of K-pop trainee and idol, and Korean entertainment videos like this in the future. And also help me to complete 10,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel, JTube. Bye bye. Anybody out there hear me?